गेंद को मारा, जब तक गेंद जा रही है मिडऑन के क्षेत्र में गेंद निकलती है, जब तक गेंद को खिलाड़ी फील करते एक ही रन लेने का मौका मिलता हुआ और इस सिंगल रन के साथ खाता खोला बैट्समैन का और टीम का, कुल स्कोर केवल एक रन। इस बार ये क्लासिकल स्ट्रोक निकलता हुआ, गेंद सामने मिली, ब्रांडेड स्ट्रोक निकलता हुआ, गेंद के करीब जाकर बल्ले के बीचों बीच लेकर एक्स्ट्रा कवर ड्राइव निकलता हुआ, गेंद जा रही है 6 रन के लिए वहां पर। मानो कि जैसे ही गेंद उनके बैट से निकली थी आवाज से ही पता चला था कि गेंद में कितनी पावर है, कितनी ताकत है। यह ताकत और अंदाज का टाइमिंग स्ट्रोक निकलता हुआ 6 रन के लिए। से काफी बढ़िया गेंद थी, गेंद बैट्समैन को चकमा देती, गेंद विकेट कीपर के हाथों में निकल रही है, डॉट गेंद चली जा रही है। नवनाथ फिर से धीरे धीरे बॉलिंग बर्जे पे वापस निकल रहे, स्वर की अगली गेंद लेकर सामने है बैट्समैन स्ट्राइक पर सागर, जिन्होंने आते ही पहली गेंद पर अपने बैटिंग की रनों की घाघर भर ली, पहली गेंद पर छक्का लगाया सागर ने। इस बार गेंद को मारा, गेंद जा रही है तेज तर्रार स्ट्रोक निकलता हुआ एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, गेंद जा रही है खिलाड़ी जब तक गेंद को फील करते निश्चित ही 2 रन लेने का अवसर मिलता हुआ और इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ रन संख्या इस वक्त लगभग पहुंच रही है 9 रनों की योग पर। चलिए नितिन सौरभ, ओके सौपी गेंद आई, गेंद को ऑनसाइड में, ओ व्हाट, एक हाथों से चमत्कारी कैच, एक हाथों में कैच पकड़ा गया वहां पर। फील्डर की तारीफ शिवा मास्त्रीकर, जो कि पिछली बार उन्होंने लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में कैच छोड़ा था, लेकिन इस बार वो भरपाई कर रहे, बहुत जबरदस्त कैच पकड़ा जाता हुआ। ऐसा कैच जब भी होता है तो अचंभित करने वाला ये कैच पकड़ा जाता हुआ और निश्चित ही ऐसे कैच के लिए बाबा चमत्कारी हाथ कहा जाएगा वहां पर। बाबा ने चमत्कार कर लिया, चमत्कार को ही नमस्कार किया जाता हुआ और नमस्कार के साथ बैट्समैन को भी वापस लौटना पड़ा यहां पर, नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए चले जा रहे वहां पर। विजय, विजय जो कि इसके पहले लॉन्ग आउट के क्षेत्र में काफी खूबसूरत कैच उन्होंने भी फील्डिंग में पकड़ा था, लेकिन निश्चित ही जब भी किसी गेंदबाज को विकेट मिलता है तो विकेट मिलने के बाद दुगने जोश के साथ, दुगने जुनून के साथ, दुगने जज्बे के साथ गेंदबाजी करेंगे विजय के लिए। पहला और अभी भी चल रहा है, स्कोर है केवल 9 रन। इससे नवनाथ की गेंद, विजय गिरिया शॉट ऑफ लेन गेंद थी, टप्पा गेंद के बाद ऊंची उठती गेंद बैट्समैन को चकमा दे रही है, विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली जा रही है, ओवर समाप्त होता हुआ। ओवर की बात करना चाहेंगे, पहले ओवर का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है, पहले ओवर के समाप्ति में स्कोर है 1 विकेट के नुकसान पे केवल 9 रन। नया और लेकर गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए सुनील को गेंदबाजी करने के लिए बुला जाता, बस सुनील गेंदबाजी करेंगे खुद के गोटी का पहला और टीम की ओर से दूसरा और लेकर। सुनील की अगली गेंद लंबे रन के साथ
वसीम के लिए इस बार और पिच गेंद थी, इस बार सीधा मारा गेंदार के बिड़ॉप के क्षेत्र में, वो कप्तान वहां पर युवराज फील्डिंग करने के लिए मौजूद थे, रन बनने की कोई संभावना नहीं। और धीरे धीरे फिर से सुनील तैयार है सोर की दूसरी गेंद लेकर, सामने है वसीम के लिए। 45 साल का नौजवान इस वक्त बैटिंग कर रहा है टीम के लिए। इस बार गेंद के करीब चले गए, खूबसूरत कवर ड्राइव लगा दिया, खिलाड़ी गेंद का पीछा कर रहे, गेंद को नहीं रोक पाएंगे। गेंद जाती हुई कवर सिवारी का पार करती हुई गेंद 4 रन के लिए। थोड़ी सी ओवर पिच गेंद मिली, बल्लेबाज को मौका मिला यहाँ पर हाथ खोलने का, और निश्चित ही जैसे ही मौका मिला मौके पे चौका आता हुआ, और इसी 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ रन संख्या इस वक्त लगभग पहुंच रही है 13 रन की योग पर। तो सीधा मारा गेंद को बॉलर के पीछे ना निकलती गेंद, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पार करती गेंद, बाउंड्री के बाहर जा रही है निकलती हुई गेंद, और एक बैक टू बैक निकलने वाला ये सेंसिबल अंदाज का स्ट्रोक निकलता हुआ, कार्पेट स्ट्रोक निकलता हुआ गेंद गोली की रफ्तार से जाती गेंद, वॉइडिश लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पार कर रही है 4 रन के लिए। गेंद के लाइन में जाकर सीधे बल्ले से गेंद के करीब जाकर ये देखिए खूबसूरत स्ट्रोक निकलता हुआ मिड ऑफ फील्डर के बाजू से। और खुद कप्तान थे वहां पर युवराज, जिनके सामने से गेंद यहां पर गुजरी है 4 रन के लिए। सुनील का थोड़ा सा महंगा और चलता हुआ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रनों की योग पर। ये मैच का निश्चित ही आज के दिन का 6ठा मैच चलता हुआ, फिर से सुनील की गेंद ऑप्शन के बाहर जाती गेंद, देखा जाचा पर का जाने दिया विकेट कीपर की ओर, बड़े बॉल का इशारा अंपायर की ओर से आता हुआ 38 रनों में बढ़ोतरी, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन की योग पर। फिर से सुनील पर थोड़ा सा दबाव नजर आता हुआ क्योंकि 2 चौके लगे हैं, और इस बार गेंद को अगली गेंद वाइड फेंकी है, एक्स्ट्रा रन मिला है बैटिंग टीम के लिए। फिर से इस बार ये गेंद के बाहर जाती गेंद, फिर से व्हाइट बॉल का इशारा लगातार मिलता हुआ, व्हाइट बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रनों की योग पर। नेहा 11 मान क्रिकेट टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है टॉस हारने के बाद, बल्कि साई मंगल पोल्ट्री सर्विसेस संगम नर क्रिकेट टीम टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का फैसला करती हुई ये गेंद सुनील की संगम नर टीम की ओर से। इस बार मारने की कोशिश में गेंद ने बल्ले का एज लगा, वहां पर विकेट कीपर ने पकड़ लिया कैच, विकेट जाता हुआ टीम की लिए लगता हुआ ये दूसरा झटका। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर पीछे जाकर गेंद को मारने की कोशिश में एज लगा वहां पर, और विकेट कीपर कॉट बिहाइंड के तौर पर बढ़िया और खूबसूरत कैच लेता लिया जाता हुआ। एसीसी क्रिकेट क्लब करकम की ओर से आयोजित भव्य नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का महासंग्राम रन संग्राम जो चल रहा है, इसी रन संग्राम का आज का ये टूर्नामेंट का लगभग 6ठा दिन और 6ठे दिन का मैच नंबर चलता हुआ 6ठा मैच था। नए बल्लेबाज खुद कप्तान विकास सरता पे बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में निकले बैटिंग करने के लिए। छठे दिन का ये मैच चल रहा है, 6ठा कौन किसको कहेगा, हटा सावन की घटा, क्योंकि ठंडी भी बहुत बज रही है वहां पर गम पर, जो कि खास कर से जाने माने हम पर है प्रवीण कुलकर्णी। फिर से इस बार ये गेंद शॉर्ट पिच गेंद आई, गेंद के करीब जाकर बहुत बढ़िया अंदाज का स्क्वायर कट खेला, गेंद जाती हुई बिल्कुल कवर सीमारी का पार करती हुई गेंद 4 रन के लिए निकल रही है। थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी, पटकी हुई गेंद के करीब चले गए, तमाचा बड़ा स्ट्रोक निकलता हुआ
उत्कर्ष निकलता हुआ और दुनिया के सबसे जबरदस्त बल्लेबाज के तौर पर एक जमाने में वीरेंद्र सेवाग को स्कोर कार्ड का बेताज बादशाह माना जाता था, लेकिन फिलहाल बिल्कुल जबरदस्त प्रहार बैट्समैन विकास के बैट से निकल रहा है। फिर से इस बार वही स्ट्रोक, नतीजा देखना इस बार क्या आता है, दो रन का इशारा जरूर आएगा वहां पर। तो इन दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, रन संख्या इस वक्त लगभग पहुंच रही है 25 रन की योग पर। दो ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 25 रन 25 रन, नया 11 मान क्रिकेट टीम बा यहां पर रन बना रही है पहले दो ओवर की समाप्ति पे 25-25 रन की योग पर। यानंतर या सामन्यातील विजय संघ विरुद्ध तनुशीलवन कटआउट टीम के बीच आखिरी मैच इसके बाद का मैच होगा। तो दिख रहा है युवराज को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। युवराज जिन्होंने सोलापुर टीम के साथ खेलते हुए बहुत जबरदस्त अंदाज की गेंदबाजी की थी युवराज ने, देखना युवराज क्या करेंगे, व्यक्तिगत पहला और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर। फिर से इस बार ये गेंद को मारा गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, सुनील की बहुत बढ़िया फील्डिंग, लेकिन फिर भी एक ही रन लेने का मौका मिलता हुआ एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा 26 रन 26 रन की योग पर। अपने ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी करेंगे ये गेंद, छत्तीस गेंद आई, गेंद को थोड़ा सा रूम बनाकर ऑन सर्विंग गेंद को टर्न कर दिया और गेंद जा रही है बिल्कुल स्क्वायर लेग से आकर, खिलाड़ी जब तक ये फील करते हैं एक ही रन बनाने का मौका मिलता हुआ बढ़ता हुआ स्कोर 27-27 रन की योग पर। और फिर गेंदी लाभ मारना चाहते एज लगा वहां पर, अच्छा कैच विकेट कीपर ने पकड़ लिया और युवराज फिर से गेंदबाजी में राज कर रहे बल्लेबाजों पर और आखिरकार विकेट मिलता हुआ विजय का गेंदबाज युवराज के लिए। यानंतर होणारा सामना असेल पुढचा सामना हा 4 षटकाचा असेल याची आपण दोन्ही कॅप्टननी नोंद घ्यायची आहे। पुढील सामना हा 4 षटकाचा खेळला जाईल याची आपण नोंद घ्यायची आहे। नए खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए पहले मैच में जीत पे अहम किरदार निभाने वाले खिलाड़ी राज आए हैं बैटिंग करने के लिए। राज के लिए पहली गेंद इस बार टप्पा करने के बाद कांटा बदलती गेंद घूमती हुई गेंद बैट्समैन को चकमा देती है, गेंद विकेट कीपर के हाथों में निकल रही है, फिर से धीरे धीरे बॉलिंग बोर्च में वापस चले जा रहे हैं, गेंदबाज तैयार है बॉलिंग करने के लिए। फिर से गेंदबाज युवराज तो बल्लेबाज राज के लिए, दो बॉल का इशारा आता हुआ, दो बॉल का इशारा, शायद ये ओवर स्टेपिंग का नो बॉल दिया जाता हुआ अंपायर की ओर से, ओवर स्टेपिंग का नो बॉल दिया जाता हुआ और विकेट कीपर ने चालाकी दिखाई, राज जो आगे चल रहे थे उनका विकेट ले लिया वहां पर रन आउट की तौर पर।
नए खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए चले जा रहे सनी। काफी क्विक एक्शन दिखाता हमें हम पर प्रवीण कुलकर्णी की ओर से। धीरे धीरे फिर से बॉलिंग बर्च पे वापस चले गए अपने ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। तो व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ व्हाइट बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है कुल मिलाकर 30 रन की यॉर्क पर 13 रन। बहुत बढ़िया गेंद थी, बहुत खूबसूरत गेंद बल्लेबाज को पिस करती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में चली जा रही है। धीरे धीरे फिर से बॉलिंग बोर्ड से भी वापस निकल रहे स्वर की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार गेंदबाज है स्ट्राइक पर बैटिंग करने के लिए नए खिलाड़ी। तो इस बार काफी करारा स्ट्रोक निकलता हुआ गेंद के करीब चले गए, खूबसूरत अंदाज का स्ट्रोक निकलता हुआ ऊपर से ऊपर स्ट्रोक निकल रहा है और इसी 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 35-35 रन की यॉर्क पर। तीन ओवरों की समाप्ति में स्कोर है 35-35 रन की यॉर्क पर। इस बार गेंद को मारा गेंदार के बिल्कुल कवर क्षेत्र में निकलती गेंद खिलाड़ी जब तक गेंद को फील करते थ्रो दिया जाता हुआ विकेट कीपर इन पे 2 रन लेने का मौका मिलता हुआ और इन दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रन। नवनाथ की पहली गेंद पर 2 रन मिले हैं। तो स्लो रफ्तार से आती गेंद परिवर्तन की तौर पर आउट स्विंगर अंदाज की गेंद मारने की कोशिश में गेंद बैट्समैन के पैरों से लगने के बाद गली के क्षेत्र में गेंद निकल रही है। बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर हो रही है। फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है नवनाथ इस ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए। फिर से इस बार गेंद तैयार है। इस बार गेंद को ऊंचा मारने की कोशिश गेंद हवा आसमान में ऊंची जा रही है सुनील गेंद के नीचे है पकड़ा जाता हुआ कैच विकेट जा रही है लगता हुआ और एक झटका यहाँ पर कप्तान का विकेट चला गया। कप्तान विकेट जाने के बाद देखना है कप्तान किससे भेजते नए बैट्समैन की तौर पर नए बैटर।
नए खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए चले जा रहे वहां पर, चले बैटिंग करने के लिए होंगे स्ट्राइक पर। अगेन चौपी गेंद आई, गेंद को ऑफ्टन के बाहर जाकर ऑनसर में गेंद को टर्न कर दिया, गेंदार के बिल्कुल स्क्वायर लेग क्षेत्र में निकलती गेंद, एक ही रन लेने का मौका मिलता हुआ और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा 28 रन 28 रन की योग पर, माफ करना 38 रन। नए खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए सनी स्ट्राइक पर, इस बार सनी ऑन फॉनी बिल्कुल जबरदस्त स्ट्रोक निकलता हुआ, गेंद जा रही है हवाई सफर पर निकलती गेंद, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर जाती गेंद 6 रन के लिए, धमाकेदार अंदाज का स्ट्रोक निकलता हुआ और इसी 6 रन के साथ स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है 44 रन 44 रन। यानंतर जर सामना असेल तो 4 षटकाचा खेळला जाईल याची दोन्ही संघांनी नोंद घ्यायची आहे। बड़ा लक्ष्य पर आती गेंद ऑनसर में तेज तर्रार स्ट्रोक खेला, लेकिन फिर भी पहले टप्पे पर पहले बाउंस पर जब तक इनको खिलाड़ी फील करते हैं एक ही रन लेने का मौका मिलता हुआ, इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रन की योग पर, बिल्कुल 4 ओवर की समाप्ति में स्कोर है 45 रन। रन बनाने की औसत की अगर बात करना चाहेंगे, एवरेज की बात करना चाहेंगे, लगभग 11.25 की औसत से रन रेट चलता हुआ। तो नया और लेकर गेंदबाजी करने के लिए फिर से कप्तान युवराज गेंदबाजी करने के लिए आ रहे, युवराज अपने खुद की गोटी का दूसरा और टीम की ओर से सीनिंग का कुल मिलाकर 5वां और लेकर गेंदबाजी करेंगे युवराज। सामने है बैट्समैन स्ट्राइक पर, वहां पर सनी स्ट्राइक पर, फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करने के लिए, अगेन इस बार गेंद को ऊंचा मारने की कोशिश, गेंद आसमान में ऊंची जा रही है, 3 खिलाड़ी वहां पर गेंद के नीचे पीछा कर रहे हैं, लेकिन जब तक कि पहले टप्पे पर गेंद को खिलाड़ी फील कर पाते थ्रो दिया जाता है, 2 रनों की दौड़ विकेटों के बीच में पूरी हो रही है, शायद 3रा रन लेना चाहते हैं, क्या चल रहा है कुछ पता नहीं चल पा रहा है, यहां से वहां थ्रो भी चले जा रहे, यहां से वहां बैट्समैन चले भी जा रहे, लेकिन जो कुछ भी हुआ दो ही रन यहां पर मिले हैं, 3रा रन लेने की कोशिश नाकामयाब वहां पर नजर आ रही है। बॉडी 7 रन की योग पर युवराज फिर से गेंदबाजी करने के लिए बॉलिंग करेंगे इस ओवर की अगली गेंद लेकर, फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करने के लिए, गेंद अंदरूनी एज लगा वहां पर, विकेट कीपर के हाथों से गेंद छूटी, वहां पर शॉर्ट सिंगल रन लिया जाता हुआ और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 रन 48 रन की योग पर। फिर से गेंदबाज युवराज लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, तो इस बार ऑन ड्राइव लगा दिया गेंदार, ये बॉलर के पीछे निकलती गेंद लॉन्ग ऑन सी बारी का पार करती गेंद, धमाकेदार अंदाज का स्ट्रोक निकलता हुआ, बिल्कुल गेंद के करीब चले गए बल्ले के बीचों बीच लेकर रिस्क का इस्तेमाल कर तो ऑन ड्राइव लगा दिया और ये गेंद जाती हुई 6 रन की रेवा पर। फिर से गेंदबाजी का आक्रमण सवाल लिख लिए, फिर से ये गेंद तैयार है, थोड़ी सी ऑफ्टन के बाहर जाती गेंद निश्चित ही बैट बॉल का इशारा अंपायर की ओर से किया जाता हुआ,
तो स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55-55 रन की योग पर। अगेन छप्पी गेंद, तेज बार गेंद को ऑनसाइड पे मारा, गेंद आगे बिल्कुल स्क्वायर लेग क्षेत्र में निकलती गेंद, जब तक फील्डर फील करते हैं एक ही रन बनाने का मौका मिलता हुआ, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56 रन की योग पर। फिर से बॉलिंग करने के लिए गेंद तैयार है, इस बार गेंद को ऊंचा मारने की कोशिश, देखना फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं बाबर विकेट फील्डर, और ये कैच छूटा और साथ ही साथ दूसरा रन लेने का मौका भी मिलता हुआ, दो रन के बाद तीसरा रन लेना चाहते हैं, लेकिन दो रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58 रन 58 रनों की योग पर। मैच के मुख्य अंपायर पीके सर, पीके यानी कि प्रवीण कुलकर्णी। फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, बॉलिंग करने के लिए तैयार है इस बीच गेंद, धीरे धीरे फिर से बॉलिंग बर्च में वापिस चले गए इस बीच गेंद, ये हो पावर है, जज्बा है, जुनून है और ताकत है जिसमें पिछली गेंद पर छक्का निकला है। रेस का इस्तेमाल करता हुआ ताकतवर अंदाज का स्ट्रोक निकलता हुआ और इसी छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है शायद 64 रन की योग पर। पाच षटकाचा खेळ संपलाय, 64 धावा आणि एसपी सर नक्कीच शिवा जिन्होंने बहुत बढ़िया जो कैच पकड़ा था उन्हें आखिरी ओवर बॉलिंग करने के लिए बोला जाता बस शिवा के लिए, और अभी भी रुका हुआ स्कोर है 64 रन की योग पर, ये इनिंग का आखिरी ओवर यहां पर फेंका जाएगा। एसपी सर नक्कीच या ठिकाणी जबरदस्त अशी फटकेबाजी पाहायला मिळाली, काही विकेट्स लवकर गेल्या पण त्याचा विशेष परिणाम फलंदाजावरती काही झालेला नाही, फलंदाजाने मात्र अगदी आवश्यक धावगतीनं धावा जमवायचा नक्कीच कार्यक्रम या ठिकाणी केला आणि 64 धावा 5 गडी बाद सध्या धावसंख्या आहे। अखेरचं आणि 6वं षटक, दर्जेदार चेंडू, चांगला चेंडू, मात्र जोड उत्कृष्ट अशी डाउन द लेग चेंडू, मात्र वाइड असल्याचा निर्वाळा पंचांकडून, इंटरनॅशनल रूल नंबर 25 वाइड बॉल पास, इथं मात्र 66 अशी धावसंख्या कारण वाइड वर पळून एक धाव पूर्ण केलेली आहे। षटक क्रमांक मात्र 6वं आणि पहिला चेंडू, क्या ये लेग स्टिक के ऊपर से जा रही है, जी हाँ पहला चेंडू, करकम क्रिकेट क्लब करकम आयोजित भव्य डे नाइट टेनिस बॉल क्रिकेटची स्पर्धा, डे नाइट म्हणण्यापेक्षा नाईट म्हणूया, आणि या स्पर्धेचं मात्र पहिलं बक्षीस 151,000, चांगला चेंडू आहे, अप्रतिम चेंडू आहे, फसवलं ते मात्र चकवलं फलंदाजाला, अंदाज मात्र नक्कीच तेवढ्यात घेता आला नाही, निर्धाव चेंडू वाईट टाकल्याचा मात्र नक्कीच इथं भरपाई, चेंडू गाईसा शरीरावर लागतोय, पायावर आदळतोय, डायरेक्ट थ्रो बसत नाही, ओ एक के बदले दो बसला खो, ओ हो चेंडू काय हाताला येईल लागे ना, चेंडू काय उचलं नसतं झालं, काही वेळेसाठी आपण सिद्धार्थ जाधव तर सिनेमा पाहिला, त्यातील डायलॉग ऐकला असेल, नको नको खूप जड आहे, नको नको खूप जड कसं वाटत होत, धावसंख्या मात्र झाली 68,
पाच घडी बाद माननीय श्रोता दिनत मालक देशमुख उप सरपंच संघटना जिल्हाध्यक्ष सोलापूर माननीय अभिषेक भैया पूर्वत युवा नेते परत एकदा आठ डॉट चेंडू चालला निर्धाव चेंडू चालला लेग स्टिकच्या वरून चालला जनाब सादिक भाई बागवान अफसर फ्रुटकर कम माननीय श्री नवनाथ सोमनाथ धोत्रे यांच्या माध्यमातून पहिलं 1,51,000 बक्षीस या स्पर्धेसाठी लाभलंय राईट आर्म राउंड गोलंदाजी करताना मात्र गोलंदाज मिस्टर शिवा सनी मात्र बाद झाला सनी आउट वाली कहाणी सनी ने बघितलं तर बऱ्याच अंशी या ठिकाणी 28 धावा 12 चेंडू मध्ये या ठिकाणी आपल्या संघासाठी बढिया कहाणी मिस्टर सनी सत्याहत्तर हजार 777 माननीय श्रुत शशिकांत चौगुले विजय मोहिते विजय अंकुश धोत्रे भाऊ नरसाळे जळुली दिनेश देशमुख प्रीतम चेडे डॉक्टर शंकर माळी दीपक ढोबळे महेश धोत्रे कुमार पवार जळुली श्री पप्पू गायकवाड यांच्या माध्यमातून 77,777 आम्हाला लाभलेले आहेत दुसरं बक्षीस म्हणून 55,555 व्हॉट अ शॉट इट्स व्हेरी हॉट इन दिस अ कूल ॲटमॉस्फर ऑफ गोल्ड स्क्वायर लेग के ऊपर शॉर्ट सुपर सिक्स रन्स जड दिया है सिक्सर कड़क प्रहार केसीसी चषक 2022 हा षटकार दरम्यान धावसंख्या झाली 75 जिंकायसाठी 76 धावांचं आव्हान लुक ॲट दिस शॉट जबरदस्त पारी मात्र संपली 36 चेंडू 76 धावा मात्र गरजेचे असतील जर जायचं असेल आपल्याला क्वार्टर फायनलच्या प्री क्वार्टर फायनलच्या गावा चेस करताना दिसेल आपल्याला संगमनेर 55,555 माननीय श्रोत अमोलदादा शेळके संस्थापकाध्यक्ष अभिछाया प्रतिष्ठान व उद्योगपती करकम 33,333 एस एस कन्स्ट कलेक्शन प्रोप्रायटर संजीव कुमार मेहत्रे सर मातोश्री मोबाईल शॉपी प्रोप्रायटर सावता काळे आपल्या मात्र या स्पर्धेचे आर सी सी चषक 2022 हे बक्षीस ताते चला तनिष इलेवन तनिष इलेवन खटाव क्षेत्रक्षण लावायचे तनिष इलेवन खटाव वर्सेस साई पोल्ट्री साई मंगल पोल्ट्री सर्विस संगमनेर के लिए दोनों भी है बड़े शेर लेकिन भाई आखिर कौन करेगा किसको बिल्कुल ढेर कौन रहेगा बिल्कुल सवा शेर तनिष इलेवन खटाव वर्सेस नेहा इलेवन मान वर्सेस थी संगमनेर इसके दरमियान मुकाबला चल रहा है माफ कीजिए तर नेहा इलेवन मान विरुद्ध साई मंगल पोल्ट्री सर्विसेस संगमनेर शेर वर्सेस शेर लेकिन बिल्कुल भी कौन करेगा किसको आखिर ढेर और मुकाबला
शेरा सवा शेर 76 धावांचा 36 चेंडूंचा खेळ प्रचंड आणि कडाक्याची थंडी अंगाला झोंबणारी अशी मात्र थंडी आणि मैदानामध्ये उत्कृष्ट सामना. चला फिल्डिंग लावूया पटकन. नेहा 11 मान राखायचे शान सागर सरतापे मिस्टर सागर मसोडकर टाइगर बैट कुछ नहीं चली है मात्र खामोश है. या ही सामने मध्ये अपन पाहिलं फलंदाज मैदानात पोहोचतायत कॅप्टन युवराज आणि योगेश तर आमचे योगेश देवकर सामन्याचा आनंद घेताना प्रेक्षकांची संख्या मात्र नक्कीच काहीशी कमी झालेली आहे परंतु ऑनलाईन अजूनही बरेचसे प्रेक्षक सामन्याचा आनंद घेत आहेत. मान तालुक्यातून तसंच संगमनेर तालुक्यातून इथं मात्र मोठे प्रेक्षक या दोन्ही संघाचे समर्थक तसंच खटाव तालुक्यामधून सुद्धा अगदी मोठे प्रेक्षक ऑनलाईनशी जोडलेले आहेत ऑनलाईनवरती कनेक्ट आहेत. साहिल करकम यांच्या वतीने इथं मात्र tennisgrid.in लाईव्ह यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत. केसीसी चषक 2022 क्रिकेटचा महासंग्राम जब तक ये टूर्नामेंट बिल्कुल भी इसका फाइनल डे नहीं यहाँ पे देखा जाता तब तक बिल्कुल भी किसी को नहीं आराम. महासंग्राम केसीसी ट्रॉफी 2022 का दीजिए जल्दी बॉल दीजिए. यहाँ वक्त हुआ है बहुत सारा वक्त यहाँ पे हो चुका है. चले कल भी बहुत सारा मतलब कुछ 5 बजे तक बहुत सारे दर्शक और मैचेस हमारे यहाँ होते थे. वैसे देर रात तक मुकाबले खेलना खिलवाना बिल्कुल भी केसीसी की केसीसी करकम की ये परंपरा भी है मैं जानता हूँ क्योंकि कुछ 10 साल पहले 11 साल पहले यहाँ पर जो टूर्नामेंट्स होते थे कुछ 6-6 बजे तक ये टूर्नामेंट्स मैचेस चलते थे 6 बजे तक 5 बजे तक वैसे वो परंपरा इस साल भी है. करकम क्रिकेट क्लब करकम जाविया मैदानात रन चेस 76 धावा 36 चेंडू नक्कीच मात्र या दोन्ही संघाचं म्हणणं आता चेंडून आणि बॅटनं एकमेकाशी भांडू. पूर्वी आम्ही आपण खेळायचो की असाच मात्र मैदानी खेळ तो आपला महाराष्ट्रीयन रांगडा खेळ विटी तांडू. ओ विकेट लवली डिलिव्हरी पहिला चेंडू अप्रतिम टप्प पडल्यानंतर चेंडू काहीसा स्विंग काहीसा नक्कीच आउट स्विंग आणि यष्टी रक्षकाच्या हातात वसीम भाई सत्या मात्र तर योगेश स्ट्राईकवर आहे कॅप्टन युवराज नॉन स्ट्राइकिंग गेंदवर आहे. एज लगा ऐसा लग रहा है और ये उंगली वहां से ही दिखाई वो खतरनाक उंगली अंपायर की आउट हुए बल्लेबाज पहला झटका योगेश के रूप में. देखिए गेंद किस तरह से 77 जा रहा है गेंदबाजी करने अभी ऑफ स्टिक के बाहर और बेहतरीन यहाँ विक्टर के पीछे कैच एमएसडी काइंड ऑफ कैच बिहाइंड द विकेट 45 साल के आसपास कुछ 43-44 साल के ये खिलाड़ी है मिस्टर वसीम भाई शेख बड़ी चापट्टा. लेकिन क्रिकेट से अब तक नाता नहीं है टूटा
दैवडी मान सातारा जिल्हा सातारा विरुद्ध मतनगर अशी लढाई सातारा विरुद्ध नगर अशी लढाई चाललेली आहे. पश्चिम महाराष्ट्र विरुद्ध मध्य महाराष्ट्र इनटू न्यू मॅन अँड व्हॉट अ शॉट वन बम्प्स स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर कडक प्रहार चपलून खेळायचा प्रयत्न चेंडू तितका मात्र नक्कीच शॉर्ट पिच नसताना सुद्धा अप्रतिम असा मात्र टोला स्क्वेअर लेग सीमा पार झाला कडक कडकडीत प्रहार आणि इथं निर्गम क्रिकेट क्लब आयोजित केसीसी चषक 2022 चौकार आला धाव संख्या एक गडी बाद आणि चार उतुंग प्रहार आहे मिड विकेटला राजकाजी चांगले क्षेत्ररक्षण राज काजी वाजी वाजी पाच धावा एक गडी बाद जिंकायचं टार्गेट 76 मोर 71 और भी 71 रन ये भी कैप्टन युवराज उंगली उठी अंपायर की वो खतरनाक उंगली युवराज और विकेट के पीछे यहां फिर एक बार और एक शिकार मिस्टर वसीम शेख द्वारा क्या बेहतरीन कैचेस पकड़े हैं ये कुछ एज लेके दिशा बदलते हुए कैचेस नीचे आते हुए कैचेस ऐसे कैचेस पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है. सुनील भौदोत्रे साहेबांचे सामन्याचा आनंद या ठिकाणी घेत आहेत. तर आमचे के सुद्धा सामन्याचा आनंद घेत आहेत. दरम्यान चेंडू कैसा स्क्वेअर कट कवर बॅकफुट पॉइंट बाउंड्री पार बॅकफुट वरती अप्रतिम कट वीरेंद्र सहवाग काइंड ऑफ अ शॉट फॉर रन्स केसीसी चषक 2022 चौकार धाव संख्या मात्र लुक एट दिस वन बाउंस. तारीफ करनी है यहाँ पर हमारे कैमरामैन साहब बढ़िया नजर रखते हैं गेंद पर नजर से गेंद छूटती ही नहीं इनकी नजर से छूटी तो कैमरा नजर से छूटने नहीं देता. टेनिस क्रिकेट .in बढ़िया सीन बेहतर से बेहतर सीन आमचे के साहेब खर तर मागील 2-3 दिवसापूर्वीच त्यांना देवबाग तारखेलीला जायचं होतं आणि कोकणात जायचं होतं पण स्पर्धा आली आणि नियोजन पुढे ढकलावं लागलं की रद्द होते कळत नाही कदाचित रद्द सुद्धा व्हायची शक्यता आहे. के साहेब सामन्याचा आनंद घेत आहेत कन्हैया काळे वाईट कॉल आलाय पंचनकडून मात्र हा एक धाव फुकटात अयर आणि सप्रीम बेट गिफ्ट धावसंख्या एका घराने शिफ्ट
धावसंख्या झालेली आहे ती मात्र दहा धावा दोन गडी बाद. ओ इनसाइड आउट इट्स के राहुल विराट कोहली काइंड ऑफ अ शॉट. विराट कोहली निकली है बंदूक से गोली एक्स्ट्रा कवरच्या वरून कडक प्रहार भडक प्रहार. केसीसी चषक 2022 षटकार सहा धावांनी धावसंख्येत वाढ धावसंख्या मात्र 16 दोन गडी बाद. अगदी वन डे मध्ये शतकी खेळ्या आणि 50 षटकामध्ये द्विशतकी खेळ्या. तर 2020 मध्ये पहिलं अर्धशतक नोंदवायचा पहिलं द्विशतक नोंदवायचा मान कार्नवेल साहेबांना मिळालेला आहे आणि तो सुद्धा क्लब मॅचेस मध्ये इंग्लंड मध्ये 2020 ची लीग चाललेली आहे तिथं 2 दिवसापूर्वी कार्नवेल साहेबांनी द्विशतक लगावलं. क्रिकेट मात्र आजचा इतका फास्ट झालेला खेळ आहे. हो नो बॉल नो बॉल चेंडू मात्र पाठीमाग स्क्वेअर थर्ड मॅन बॅकफीट पॉइंटच्या मधून सीमा पार आहे पळायचंय का नो बघूया सीमा पार आहे का कसं आहे बघूया. दरम्यान नाही आहे सीमा पार नाही आहे. नो बॉल प्लस पळून किती चार धावा घोषित केलेले कारण तिकडच्या बाजूला चेंडू धटल्यानंतर चौकारच आहे. दरम्यान 4 आणि 9 बॉल इथं पंजा खुला. आता पुढच्या चेंडूवर फ्री हिट पण असेल. एकूण धावा 21 दोन गडी बाद. षटक दुसरा चाललंय आणि दुसरा चेंडू दुसऱ्या षटकाचा राजकाजी और मिड ऑफ सुरेख गैप लॉफ्ट इट ऑफ ड्राइव हाफ वॉली कनेक्शन फुलर लेंथ म्हणजे ओवर पिच चेंडू आणि फुलर लेंथ म्हणता येणार नाही ओवर पिच चेंडू आणि मिड ऑफच्या वरून सुरेख प्रहार हाफ वॉली कनेक्शन लॉफ्ट इट ऑफ ड्राइव चार धावा कडक प्रहार आणि केसीसी चषक चौकार. रियाज भाई बागवान जरा समालोचन कक्षाकडे या प्लीज. धावसंख्या झालेली आहे ती मात्र 25 दोन गडी बाद. अजून एक काउंटची गरज असेल. इकडे रिव्हर्स स्वीप चेंडू डीप स्क्वेअर लेगला तैनात ठेवलंय फिल्डर याच कामासाठी. गुड फिल्डिंग मान नेहा 11 मान विरुद्ध इथं मात्र सामना चाललाय. साई मंगल पोल्ट्री सर्विस संगमनेर जिल्हा अहमदनगर. चलिए वाइड का करार एक रन और एक गेंद भी मुफ्त वाली एक रन भी फ्री वाला और अभी अभी हर किसी ने बिल्कुल भी खत्म कर दिया एक एक चाय का प्याला और थोड़ा सा अब ठीक लग रहा है गर्मी से यहाँ थोड़ा सा ठंड से छुटकारा. के साहब जरा समालोचन का क्षण लिया. कॉट बिहाइंड यस तीसरा ये विकेट है बिल्कुल पीछे लपक लिए तीसरा एज और ये बहुत ही बिल्कुल भी 40 प्लस 42-43 एज वाले खिलाड़ी विकेट के पीछे शातिर और बिल्कुल भी कातिल. के साहब चला अपन समालोचन कक्ष कडे येऊया. एकूण फलंदाज मात्र
विजय नवीन सत्तावीस धावा तीन कड़ी बात विकटों के पीछे तीनों बिल्कुल भी कैच वसीम भाई शेख ऑन साइड लगाए सचिन शॉर्ट मिड विकेट चांगल क्षेत्र रक्षण सिंगल अट्ठावीस धावा तीन कड़ी बात षटक क्रमांक मात्र या ठिकाणी दुसर अखेरचा चेंडू दुसऱ्या षटकाचा याच्यानंतर एक सामना आहे तो मात्र आपल्या मात्र या हाफचा फ्री क्वार्टर फायनलचा सामना असेल आणि हा आणि हा सामना मात्र कमी षटकाचा खेळवला जाणार आहे याची नोंद दोन्ही कॅप्टननी घ्यायची आहे कारण पहा जरा लवकर उरकायचंय कारण वेळ भरपूर होतोय शॉट है बिल्कुल हॉट है इथं मात्र संगमनेर आणि मान संघाची मैदानात गाठ है कडक प्रहार मिड विकेटच्या वरून मारलेला हा मात्र केसीसी चषक 2022 षटकार धाव संख्या वाढलेली आहे 34 तीन कडी बाद चौथी धावा तीन गडी बाद 76 धावांचं आव्हान आहे पाठलाग सुरू आहे दोन षटकानंतर 34 आणि जबरदस्त तर दोन षटकामध्ये माझ्या मते काहीतरी 38 धावा चोपायचा मान मात्र एका संघाला आहे तो पॉवर प्ले मध्ये तिसरं षटक आता 76 म्हणजे पहा अजूनही 42 धावांची गरज असेल आणि चेंडू 24 अंक तेच आहे फक्त जागा बदललेली आहे 24 चेंडू 42 अंक तेच जागा बदललेली आहे आणि आपल्याला माहित आहे अंकाची मात्र जागा बदलली की व्हॅल्यू बदलतो किंमत बदलते शून्य जर अंकाच्या डावीकडे असेल तर शून्याची काहीच व्हॅल्यू नसते पण शून्य जर अंकाच्या उजव्या बाजूला असेल तर एस पी सर किंमत मात्र शून्याची भरपूर असते येस तर आता इथं 24 चेंडू 42 दोन आणि चार याच दोन मात्र अंकांचा खेळ चाललाय परंतु अल्टीपल्टी आहे डावीकडे कधी तरी उजवीकडे कधी असा प्रकार दरम्यान आता 23 चेंडू आणि 42 धावा युवराज आणि तीनही विकेट्स मात्र आपण पाहिल्या तीनही विकेट्स कॉट बिहाइंड अप्रतिम कॅचेस पकडले पहिला झेल दुसरा तर जबरदस्त असा होता पहिला सुद्धा अप्रतिम होता अगदी खाली येत असलेला उतारानं अगदी पळत असलेला चेंडू अवघड असतो असा झेल घेणं दरम्यान स्क्वेअर लेग दिशेला चेंडू त्या बाजूला चांगली फसवले चेंडून क्षेत्ररक्षक बहुदा राजच्या अगोदर जो कोणी होता डायरेक्ट थ्रो नाही परंतु हातात आहे आणि स्टंप आउट सॉरी रन आउट म्हणूया धक्का क्रमांक 14 तीन कॉट बिहाइंड एक मात्र रन आउट तिसऱ्या धावेसाठी मात्र बाद झाले परंतु एका धावेसाठी आपला बळी विजय इथं दिलाय एकूण विजय च्या नक्कीच बाद होण्याने मात्र आता चौथा फलंदाज तर अल्ताफची एंट्री मैदानात होते अल्ताफ छत्तीस चार गडी बाद षटक क्रमांक मात्र तिसर सहा षटकाचा सामना आहे याच्यानंतरचा पुढचा सामना मात्र कमी षटकाचा होईल किमान चार षटकाचा सामना असेल पुढचा दोन्ही संघांनी नोंद घ्यायची आहे आता दोन्ही संघ म्हणण्यापेक्षा एकच संघ असेल जो ऐकतोय तो या ठिकाणी पुढच्या फेरीत गेलेला आहे तो आता हे दोन्ही संघ मात्र आपल्या कामात गुंतलेले आहेत आणि आता या दोन्हीपैकी कोण येईल काही सांगता येत नाही
त्यामुळे यांचं म्हणणं आहे या सूचनेकडे आपण काही लक्ष द्यायला नको. ओ अप्रतिम चेंडू यॉर्क इंग्लंड आणि फलंदाज चकले, यष्टी रक्षक फसले, चेंडू सीमा पार. दरम्यान चार धावा या ठिकाणी, स्क्वेअर थर्ड मॅन आर पार. हा केसीसी चषक 2022 करकम चावकार. चार धावांनी धावसंख्या 40, 44. ओव्हर नंबर 2.3 हॅज बीन कम्प्लीट. या षटकामध्ये शैलेश डॉट 2 आणि 4 बघूया. डॉट 2 4 चढता क्रम चाललाय तर 4 रन 2 6 येईल का? ओ एक्स्ट्रा कवर सुरेख जैल. सागर सरतापे माफ करा, सागर सरतापे, यस सागर सरतापे. आणि इथं धक्का क्रमांक मात्र 5वा असा. 45-5 गडी 5 अर्धी टीम रिटर्न बॅक सागर सरतापे आणि त्याचबरोबर वसीमभाई शेख झेल घेणारे खेळाडू. 3 झेल वसीम तर लॉंग ऑफला 1 आणि 1 रनआउट. संगमनेर संघाची मात्र फलंदाजी काहीशी ढेर होताना आपल्याला पाहायला मिळते. संगमनेर संघानं मात्र फलंदाजांची काहीशी हाराखिरी. पुढे जाऊन नडेल काय हे आता पाहायचं आहे. 36 धावांची अजून गरज असेल. आणि चेंडू म्हणाल तर बहुदा 20 चेंडू 36 धावा. कोण जाईल फ्री क्वार्टर फायनलच्या गावा? ओ दर्जेदार चेंडू, स्विंग अँड मिस. मोहम्मद सिराज काइंड ऑफ डिलिव्हरी, मिस इज कम्प्लीटली. द स्ट्रायकिंग बॅट्समन मिस्टर शिवा. शिवाला मात्र या ठिकाणी आपल्या संघासाठी अगदी इथं उपस्थित क्रिकेट प्रेमींना हेवा वाटावा असा मात्र नक्कीच सेवा द्यायचा कार्यक्रम दाखवावा लागेल. शिवा, मिस्टर शिवा नक्कीच इथं मात्र लावायचा आहे अंधारात दिवा. षटक संपले. लाईट तर ऑलरेडी आहेतच आपले कृत्रिम लाईट्स. तर आता 36 आणि 18 चेंडू 18 चेंडू 36 प्रत्येक चेंडूर 2 जिंकणार कोण? कळकाडा थोडीशी अजून 3 षटकानंतर करणार आहे आपल्याला. प्रत्येक षटकामध्ये 12 ची गरज. तसं पाहिलं तर हा सामना बराचसा इन कंट्रोल आहे, अंडर कंट्रोल आहे, नियंत्रणात आहे. तो मात्र विकास सरतापे सरांच्या मान संघाच्या मात्र कंट्रोलमध्ये नियंत्रणात. तर अजून मात्र नक्की तसं सांगणं मुश्किल आहे नेमकं जिंकणार कोण. ४० टक्के आणि ६० टक्के असा सामना. स्ट्रायकी गेंड वरती मात्र अल्ताप ना, अल्ताप भाई मिस्टर अवी. ओ बढिया डिलिव्हरी. अवी मागील षटकामध्ये मात्र 2 विकेट्स बहुधा पहिलं षटक अवीच आणि पहिल्या षटकात 2 विकेट्स 3 विकेट्स माफ करा, 2 विकेट्स कारण पुढचा विकेट आपण बघितला तो मात्र काही साहेब दुसऱ्या षटकात विकेट गेलेला आपण बघितलं तो मात्र आवी पहिली आणि दोन्ही कॉट बिहाइंड वसीमभाईच्या कडून मात्र हे दोन्ही आपण पाहिलेले होते. दरम्यान हा सुद्धा चेंडू खाली राहिला, फलंदाज मात्र बघतच राहिला. फलंदाज अल्ताप
एकही चेंडू कळणासा झाला. सागर मसवर गाट टायगर बॅट अजून काहीशी बोलली नाही, परंतु मला वाटतं स्टार खेळाडूची बॅट चांगल्या सामन्यात बोलत असते, महत्वाच्या सामन्यात बोलत असते स्टार खेळाडूची बॅट. कारण अशा तशा सामन्यात खेळून कशाला एनर्जी घालवायचे असं पण काहीतरी असतं. ती एनर्जी आपण मात्र मुख्य सामन्यात दाखवायची. नेटचा चेंडू बॅटवर आला नाही, मिस टायमिंग. ये है वापस जाने का टाइमिंग. लॉन्ग ऑन पर अच्छा कैच, और ऐसे बुझाना पैच बहुत मुश्किल होता है. अल्ताफ गॉन, छटका नंबर ये छटा 40 पे 6. और पिछले कितने गेंदों से हमारे प्रसाद बताएंगे कितने गेंदों से रन नहीं बने हैं, रन नहीं आए हैं. कुछ 5 गेंदे चिया, 5 गेंदों से रन नहीं बना. टोटल देखिए 6 गेंदों से 7 गेंदों से देखिए पिछले रन नहीं आ रहा है. तो 40 बने बहुत देर हुई थी. सचिन आए नए बल्लेबाज. ओ उजव्या इष्टीच्या थोडा सा बाहेर, परंतु पंचाच्या नियमाच्या बाहेर. वाईट कॉल आला, एक धाव मिळालेली आहे. 40 वर लटकलेला अटकलेला स्कोर एका घरानं पुढे 41. जिंकायला मात्र अजून 35 धावांची गरज. आणि चेंडू म्हणाल तर पहा 13 चेंडूचा खेळ बाकी, 13 चेंडू 35. सचिन डॉट वाला सीन, डॉट बॉल से एंड किया इस ओवर को. अभी अप्रतिम गोलंदाजी, केवल एक मात्र धाव ती वाईडची या षटकात. गुड बॉलिंग, टेरिफिक गेंदबाजी. यहा 12 गेंदों का खेल बचा है और ये 12 गेंदों में जीत के लिए चाहिए अभी भी 35. अब देखिए हर गेंद पे 2 था जब 18 गेंदे बची थी. अब मेरे ख्याल से 17.5 रन प्रति ओवर से ये रन बनाने हैं. 17.5 मुश्किल है, ये बिल्कुल हार वाला खतरा मंडरा रहा है यहाँ पर संगमनेर के बिल्कुल सर के ऊपर. ये ऊपर गए नीचे खिलाड़ी राज काजी. वाजी वाजी मिस्टर राज काजी, युवा है जवा है और हर तरफ इस खिलाड़ी की ही हवा है. मिस्टर राज पहने हैं बिल्कुल भी ऑलराउंडर और सबसे बेहतरीन खिलाड़ी का अपने सिर ताज. और चमके बिल्कुल चमके अंडर लाइट करकम की इस केसीसी ट्रॉफी में आज कर रहे राज, मिस्टर राज काजी. मात्र आजी माझी आमचे सर्व खेळाडू जे केसीसी करकमचे इथं आहेत नक्कीच देखण्या या स्पर्धेचं नियोजन इथं. तर उद्याच्या कार्यक्रमाबद्दल आपण थोडंसं डिक्लेअर करणार आहोत. त्याच्यासाठी केसीसीचे सर्व अधिकारी पदाधिकारी जरा समालोचन कक्षाकडे या प्लीज. उद्याचा कार्यक्रम कसा आहे त्याच्या संदर्भात, कारण आपल्या मात्र या स्पर्धेवर प्रेम करणाऱ्या सर्व क्रिकेट प्रेमींना पण ते कळलं पाहिजे. के के साहेब, संजय खडके साहेब, मिस्टर पोलाक साहेब या जरा, संजय धोत्रे साहेब या, संजय मोहिते साहेब या, रियाज भाई या प्लीज. सर्व आमचे आजी माजी खेळाडू, कारण उद्याच्या संदर्भात जे काही या ठिकाणी नियोजन झालंय कार्यक्रमाचं ते आपल्याला डिक्लेअर करावं लागेल आणि सर्वांची त्याच्यासाठी संमती हवी आहे. सर्व केसीसी दरम्यान 41 धावा 7 गडी बाद. What a delivery that is. ये गेंदबाज कौन है? जनाब जनाब शैलेश, जनाब शैलेश. एक दो तीन चार गेंदों का खेल हुआ है.
अभी भी इस ओवर में दो और आने वाली छह आठ गेंदे बाकी है। जीत के लिए अभी भी 35 वाइड कॉल, वाइड के साथ टोटल बढ़ेगा 42 होगा, सात विकेट के नुकसान पे। चलिए कुछ जो दर्शक है अभी भी मौजूद, आनंद ले रहे मुकाबलों का। किकी साहब, संजीव धोत्रे साहब, हमसे संजय खड़के साहब पोलाक, चला अपन समालोचन कक्ष कडे या। रियाज भाई अपन या प्लीज, रियाज भाई बागवान। दरम्यान इथे षटक क्रमांक पाचव संपले, तर पाच षटकानंतर मात्र धावा झालेली आहे, तर 48 सात कडी बाद। आता सहा चेंडूचा खेळ बाकी आणि सहा चेंडू मध्ये जिंकायला 28 धावांची गरज आहे। 6 डिलिव्हरीज अँड 28 मोर रन्स, मुश्किल बहुत आहे, अवघड आहे, अति अवघड आहे, परंतु अशक्य मुळीच नाही। कारण क्रिकेटच्या मात्र खेळामध्ये आपल्याला या ठिकाणी अनेकदा पॉसिबिलिटी दिसते, तिथं मात्र नक्कीच आपल्याला अशक्य नाही अशी असा मात्र शब्द प्रयोग करावा लागतो। तर काही ठिकाणी जी पॉसिबिलिटी इम्पॉसिबल गोष्ट दिसते क्रिकेटच्या नियमानुसार, तिथं आपल्याला मात्र नक्कीच नामुमकिन इम्पॉसिबल असा शब्द प्रयोग करावा लागतो। हो, चांगला चेंडू, दर्जेदार चेंडू, निर्धाव चाललाय, कोणाला भांडू, स्वतःशीच भांडायचं, आपल्याशीच भांडायचंय, अन्यथा इथं स्वतः काहीतरी मात्र सिद्ध करून दाखवायला लागेल। पाच चेंडू 28 धावा, चार षटकार, एक चौकार गरजेचा असेल। चेंडू मात्र काय टॉफ एज घेऊन फाईन लेग कडे आणि एक धाव मिळालेली आहे। आता मात्र आवाक्याच्या बाहेर, चार चेंडू आणि 27, साई चौक 24 पर्यंत जाऊ शकतात। 24 तर 27 मायनस 24 3 राहिल्या, त्याचं काय तुमचं तुम्ही बघा। ओहो, वाइड कॉल, एक धाव मिळालेली आहे, एक धाव मिळालेली आहे, धावसंख्या एका घरानं पुढे गेलेली आहे, 49 नंतर 50, 26 धावांची गरज असेल। 26 उठाया है, उठाया है और बाहर कर दिया, वन बाउंस बाउंड्री। देखिए हमारे जो दर्शक है, बताइए, चार है, चलिए चार है। संजय धोत्रे साहेब पण आहेत तिथं आणि इथून पण काहीसं आम्हाला दिसत होतं व्यवस्थित, तरी पण तिथल्या लोकांकडून खात्री करून घेणं फार गरजेचं। चार धावा 54 सात गडी बाद, तीन चेंडूचा खेळ बाकी आहे आणि या तीन चेंडूमध्ये मात्र आवाक्याबाहेरचं लक्ष आहे। अजून 22 54 धावा धापल करती, तीन चेंडू 22, सायत्रिक 18, वरच्या चारचं काय बघतील बॅट्समन। हो, इथं मिस्टर सनी, चले कॅचवाली कहाणी। हो, मिस्टर प्रवीण सर, इस ठंडी, इस तरह की ठंडी में कैचिंग भी आती है। हमारे मिस्टर प्रवीण सर, ग्रैंडफादर ऑफ अंपायरिंग डिपार्टमेंट, यस। चला पुढील सामन्याचा टॉस असेल आणि दत्ता सर टीम आली इकडे, कॅप्टन कुठे सोडलेत?
चेतन चिंचकर मान विरुद्ध खटाव वाव नितिन श्रीवास्ते या मात्र मान विरुद्ध खटाव तालुक्याचा टॉस नेते नेते हसले आणि सुनील भाऊनी अधिकृत सूचना आमच्याकडे दिली धन्यवाद सुनील भाऊ लॉन्ग ऑन ला गेला क्षेत्रक्षकाला ओहो मसवडका टायगर मिस्टर सागर कॅच सामना मात्र या ठिकाणी चार षटकाचा असेल एक षटक पॉवर प्ले असेल बट ठीक आहे पाच षटकाचा सामना ठीक आहे पोलक साहेब हरकत नाही ठीक आहे पोलक साहेब आपण पाच षटकाचा खेळू सामना दोन षटकाचं पॉवर प्ले असेल कालच्या सारखं आज पण आपण कालच्या सारखं आज पण डायरेक्ट आंघोळच सकाळी